श्रद्धा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्काई क्लासेस। गाइस लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, लास्ट हमारा टॉपिक जो था वो था हमारा जेंडर लिंक। वो टॉपिक हमारा उसी क्लास में कंप्लीट हो गया था। अब हम एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एग्जाम में आता है एक दो मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेफ्ट बिल्कुल नहीं कर सकते इस टॉपिक को क्योंकि इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक विभिन्नता। कोई भी मतलब हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से डिफरेंट है। उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कुछ भेदभाव पाए जाते हैं हर मनुष्य में, कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई भी एक भी सिंगल व्यक्ति बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। इवन किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। वर्ल्ड में किसी भी पर्सन का फिंगरप्रिंट तक मैच नहीं होता। आई की जो हमारी रेटिना होती है वो भी मैच नहीं होती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी ना किसी रूप में भिन्न है। उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, विभिन्नताएं पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि विभिन्नताएं किस किस आधार पर होती है। वैसे किसी दो पर्सन की आदत सेम हो सकती है, हैबिट सेम हो सकती है, बट जरूरी नहीं है कि किसी इंसान को किसी चीज़ पर गुस्सा आता है तो दूसरे को भी उसी चीज़ का हो, मे बी कोलैप्स हो जाए चीज़ें, बट ऐसा जरूरी तो नहीं होता। तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ में डिफरेंसेस जो होते हैं वो हर व्यक्ति के अंदर वैरी करते ही हैं। किसी व्यक्ति में कुछ विशेषताएं होंगी, किसी में कुछ होंगी, किसी में कुछ कमियां होंगी, दूसरे में कुछ होंगी। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति सेम होता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही हैं। तो जितने भी व्यक्ति हैं दुनिया में सबके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस एक दूसरे से पाए जाते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। देखते हैं कि ये जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं उनका बेस क्या है, मतलब किस बेसिस पे डिफरेंसेस हमारे हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हो सकता है हमारा बायोलॉजिकल डिफरेंस। हर किसी की बायोलॉजी में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। किसी की ग्रोथ किसी तरीके से हो रही है, किसी की ग्रोथ किसी तरीके से हो रही है। हर किसी की हेरिडिटी अलग है, तो उसको मतलब नेचुरल सी बात है, तो हर किसी की हेरिडिटी अलग है, प्रोसेस अलग है। सॉरी, प्रोसेस तो सेम हो सकती है बट हेरिडिटी तो अलग है ना, उसे आने वाले गुण और अवगुण, ट्रांसफर ऑफ जीन्स ये सब तो अलग है ना। तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को हम बोलेंगे जैविक विभिन्नता। तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस व्यक्तियों में होते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो मेंटल डिफरेंसेस। हर कोई अपनी मानसिक स्थिति से दूसरे, मतलब हर किसी का जो मेंटल लेवल है वो दूसरे व्यक्ति से अलग है। कोई एवरेज की श्रेणी में आता है, कोई जीनियस होता है, कोई वेरी लो भी होता है। ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक इंसान बहुत अच्छा है, उसका मेंटल लेवल बहुत अच्छा है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ बातें बहुत जल्दी से समझ में आ जाती हैं, बहुत ऐसे होते हैं जिनको सिंपल सी बातें जल्दी से समझ नहीं आती। वहीं जिनको बहुत ऐसा भी हो जाता है जो सिंपल बातें किसी को समझ में आ रही है उनको मतलब वैसी बातें समझ में नहीं आती। तो हर एक इंडिविजुअल के अंदर कुछ मेंटल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो मानसिक विभिन्नताएं पाए जाते हैं, मानसिक रूप से विभिन्नताएं पाए जाते हैं। किसी की मेंटल स्टेट सही नहीं होती तो उसके अंदर उसी अकॉर्डिंग डिफरेंसेस होंगे। कुछ लोग कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से भी मेंटल स्टेट्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेंटल स्टेट्स की जो लेवल होता है वो भी हर एक पर्सन के अंदर वैरी करता है। थर्ड हम आप देखते हैं, हमारा थर्ड है इमोशनल डिफरेंसेस, संवेगात्मक विभिन्नता। अब संवेगात्मक विभिन्नता देखते हैं। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, कोई व्यक्ति होता है जो बहुत टफ टाइम्स में भी, बहुत टफ कंडीशंस में भी अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। कुछ लोग होते हैं कि अगर थोड़ा सा गिर भी गए तो वो रोने लगेंगे बहुत ज़्यादा। कुछ होते हैं उनको बहुत बड़े बड़े मेजर इंजरीज भी हो जाती हैं फिर भी वो अपने आप को स्टेबल रखते हैं। तो हर किसी की मेंटल स्टेट जो है वो अलग है। मैंने बताया मेंटल स्टेट
गुस्से वाली बात में भी नहीं आता। तो ये सब स्टेजेस वेरी करती है क्योंकि हम लोग सब भिन्न है एक दूसरे से। ये हमारे स्टेट्स के मतलब हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर वेरी करेगा क्योंकि हम एक दूसरे से भिन्न हैं। तो किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी का टेम्परेचर बहुत जल्दी हाई हो जाता है। टेम्परामेंट के बेसिस पे हम सब अलग हैं एक दूसरे से। किसी को बिल्कुल नहीं आता, किसी को बहुत जल्दी रोना आ जाता है, कोई छोटी छोटी बातों के लिए रोने लगता है। ये हमारे जीवन में ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। और कोई होता है कि उसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद भी वो स्टेबल है, वो काम है कि ठीक है अब नहीं हो रहा, हो जाएगा। किसी की मेंटल स्टेट ऐसी है। तो ये डिपेंड करता है उसकी मेंटल स्टेट पे, जो हमारा इमोशनैलिटी है वो डिपेंड करेगी उस इंसान की मेंटल स्टेट के ऊपर कि उसकी मेंटल स्टेट कैसी है। तो ये जैविक विविधताएं होती है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, मानसिक विविधताएं होती है और संवेदात्मक विविधता होती है मनुष्य के। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कल्चरल डिफरेंसेस। मैंने बताया था आपको पहली क्लास में कि हर किसी की संस्कृति अलग होती है, हर किसी की संस्कृति अलग होती है। सोशलाइजेशन वाला जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे, सामाजिकरण वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तब हमने उसमें बात की थी कि हर एक व्यक्ति का समाज अलग होता है, उसकी संस्कृति अलग होती है। अलग अलग संस्कृति से लोग आते हैं, अलग अलग समाज से लोग आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक समाज गलत है और दूसरा सही है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं। किसी को भी गलत और सही बोलना तो बिल्कुल गलत है। तो कल्चरल बेसिस पे भी डिफरेंसेस होते हैं, किसी की संस्कृति में कुछ होता है, किसी की संस्कृति में कुछ होता है, तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। कल्चरल बेसिस पे भी जो होता है हमारे डिफरेंसेस होते हैं, इसको बोलेंगे सांस्कृतिक विविधता। अगर हम राजस्थान वगैरह में जाते हैं तो वो प्रॉपर लहंगा वगैरह ड्रेसअप होकर रहते हैं और पूरा ऐसे वेलकम करते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में वेलकम करते हैं, तो वो उनकी संस्कृति। हमारी यूपी में कोई आता है तो हम अलग तरीके से वेलकम करते हैं, तो वो हमारी संस्कृति है। तो हर किसी की अपनी अलग संस्कृति होती है, तो ये जो संस्कृति है ये वेरी करती है और इसके अकॉर्डिंग हम हमारे अंदर जो चेंजेस होते हैं वो भी वेरी करेंगे क्योंकि हम जिस संस्कृति से होंगे हम उसी को फॉलो करेंगे। तो अगर संस्कृति चेंज है तो क्या होगा, हमारे अंदर सांस्कृतिक चेंजेस भी होंगे, सांस्कृतिक डिफरेंसेस भी होंगे हमारे अंदर। तो सांस्कृतिक विविधता अगर हमारे अंदर होंगी तो हम भी डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। तो क्या होगा, हमारा हमारे अंदर सांस्कृतिक विविधताएं भी पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल डिफरेंसेस। मैंने बताया कि हर किसी का अलग समाज होता है, व्यक्ति उस समाज में रहता है, उसी के नियम को, तौर तरीके को, कानून को, लॉज को, वैल्यूज को, एथिक्स को फॉलो करता है। तो हर किसी का समाज क्या होगा, अलग होगा। हर किसी का समाज अलग होगा तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर जो सामाजिक चेंजेस होंगे, जो उसके अंदर सामाजिक चेंजेस होंगे अपने समाज को लेकर, वो क्या होंगे उसके व्यक्ति में सोशल डिफरेंसेस बन जाएंगे। क्योंकि कोई किसी समाज से है, कोई किसी समाज से है, तो दोनों अपने अपने समाज को फॉलो कर रहे हैं। तो इस वाले व्यक्ति की राय हो सकता है इस वाले से अलग हो, तो दोनों की जो थिंकिंग है वो कोलैप्स कर सकती है, दोनों की थिंकिंग चेंज हो सकती है। तो क्या हो गया, उस बेसिस पे भी हमारे विविधताएं होती हैं, सामाजिक विविधताएं भी हमारे अंदर पाई जाती है, सामाजिक विविधताएं भी हमारे अंदर पाई जाती है, सामाजिक विविधता। मैंने बताया आपको किस किस बेसिस पे होंगी हमारी बायोलॉजिकल विविधताएं होती हैं, सबकी बायोलॉजी अलग तरीके से काम करेगी, सबके जो जीन्स होंगे उनकी हेरिडिटी से उनको अलग तरीके से मिले होंगे, मतलब कि जो उनके पेरेंट्स के अंदर गुण होंगे अब गुण होंगे वो उनके फ्यूचर वाली जनरेशन में ट्रांसफर हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे। तो उनकी जो बायोलॉजी हुई वो भी तो डिफरेंट हुई, हर व्यक्ति की बायोलॉजी डिफरेंट हुई, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सब लोग हम सेम हैं और हमारे जो अंदर बिहेवियर है हमारा, जो हमारे अंदर आदतें हैं वो भी सेम होगी तो आगे वाली जनरेशन को सेम ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम सब अलग हैं तो अलग हमारी जो आदतें होंगी, गुण होंगे, अवगुण होंगे हमारे, वो हमारे फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। तो बायोलॉजी हमारी अलग तरीके से बिहेव करेगी, तो उस बेसिस पे क्या होगा, हमारे अंदर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे। हर किसी की ग्रोथ अलग तरीके से होगी, कोई बहुत जल्दी लंबा हो जाता है, कोई उसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है, किसी की हाइट एक टाइम पे आकर रुक जाएगी फिर एकदम से ग्रो कर जाएगी। तो ये डिफरेंसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर,
डिफरेंसेस होते हैं, हर किसी का जो बॉडी का फंक्शन है वो थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है, रेस्पॉन्स अलग तरीके से करता है। इवन हर एक मेडिसिन हर एक व्यक्ति को सूट नहीं करती, क्यों नहीं करती, क्योंकि उसकी बॉडी उसके लेकर अलग तरीके से रिएक्ट करती है। अगर ऐसा नहीं होता कि हर व्यक्ति को मेडिसिन एक ही काम कर जाए, किसी की बॉडी उस मेडिसिन को लेकर अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, किसी की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, तो ऐसा नहीं होगा कि हर किसी की बायोलॉजी सेम है तो सेम तरीके से रिएक्ट करेगी, क्योंकि बायोलॉजी में डिफरेंस है तो हमारा जैविक विभिन्नता एग्जिस्ट करती है। मतलब हमारे अंदर जो डिफरेंसेस हैं, जो हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता जो हमारे अंदर है, वो उसका एक केस जो है वो जैविक विभिन्नता है, इनकी वजह से भी हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। किसी के अंदर किसी हार्मोन का रिलीज ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, तो उस बेसिस पे जो होगा वो इंसान उसी तरीके से बिहेव करेगा। तो हम इसी वजह से अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशंस में बिहेव करते हैं। नेक्स्ट बात की हमने मेंटल डिफरेंसेस की, मानसिक विभिन्नता है, हर किसी की मेंटल स्टेट अलग होती है। कोई व्यक्ति किसी एक चीज़ को अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक व्यक्ति उसका अलग तरीके से सॉल्यूशन बताएगा, दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे वो अलग तरीके से बताएगा। एक व्यक्ति उसी चीज़ को एक अलग एस्पेक्ट से देख रहा होगा, दूसरा व्यक्ति उसी चीज़ को एक अलग एस्पेक्ट से देख रहा होगा। तो हर किसी का मेंटल लेवल जो होता है वो चेंज होता है। अब मैं किसी को समझा रही हूँ तो ऐसा नहीं होगा ना कि एक व्यक्ति को उसी तरीके से समझ में आ जाएगी, किसी को किसी तरीके से समझ में आएगी, किसी को किसी तरीके से समझ में आएगी। ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक मैं एक सॉल्यूशन दूँ और सबको उसी तरीके से समझ में आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हम सब डिफरेंट हैं, हम सब हमारे अंदर जो मेंटल लेवल है सबका, वो सबका डिफरेंट है, सबके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस है, तो वो चीज़ें वेरी करती हैं। नेक्स्ट हमारे बात की हमने इमोशनल डिफरेंसेस की। इमोशनल डिफरेंसेस हर किसी के अंदर अलग अलग तरीके से कंडीशन को बिहेव करता है। मतलब जो व्यक्ति होता है वो रेस्पॉन्स जो करेगा ना वो अलग तरीके से करेगा, हर कंडीशन में अलग तरीके से रेस्पॉन्स करेगा। किसी को इतनी सी बात पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, किसी को बहुत बड़ी बात हो जाएगी नहीं आता गुस्सा। तो ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है, क्योंकि हम सब डिफरेंट है तो हम एक कंडीशन को लेके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा सांस्कृतिक विभिन्नता, मैंने आपको बता दिया कि सबकी संस्कृति अलग होती है, तो सबके अंदर जो डिफरेंसेस होंगे, सांस्कृतिक विभिन्नताएं जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट सामाजिक विभिन्नता, क्योंकि हर कोई अलग समाज से बिलोंग करता है तो उसके अंदर सामाजिक विभिन्नताएं भी पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विभिन्नताएं जो होती है सिर्फ इसी बेसिस पे नहीं होती, कुछ और बेसिस पे भी विभिन्नता होती है। जैसे हर व्यक्ति एक दूसरे से रंग रूप में डिफरेंट है, अलग है, कोई गोरा है कोई काला है, ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट है, कोई मोटा है कोई पतला है, किसी को कहते हैं बहुत मोटा, किसी को कहते हैं बहुत पतला है, तो ये डिपेंड करता है, हर कोई सेम तो नहीं हो सकता ना। नेक्स्ट बात करें तो बुद्धि, देखो सबका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो डिफरेंट है, कोई किसी बात को बहुत जल्दी से समझ लेता है, कोई किसी बात को समझने में बहुत टाइम लगा देता है, कोई एवरेज वाले भी होते हैं कि एक बार समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देखा तो एकदम समझ में आ गया। तो ये हम नहीं बोल सकते कि एक बच्चा बिल्कुल, ऐसे नहीं बोल सकते बच्चे को तुम बिल्कुल बुद्धू हो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमें ये बात समझनी चाहिए कि हर बच्चा डिफरेंट होगा, हर पर्सन डिफरेंट होता है, उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चे को एक तरीके से समझ में आ जाए पॉसिबल नहीं है कि हमने एक सॉल्यूशन बता दिया और बच्चे को सभी बच्चों को समझ में आ गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसका जो बुद्धि लेवल है, उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो डिफरेंट होता है। मैंने आपको बताया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में जो हमारा इंटेलिजेंस लेवल होता है वो हाईली रिलेटेड होता है हमारा हेरिडिटी से। तो जैसे उसके जीन्स में उस इंफॉर्मेशन आई होगी तो उसका जो इंटेलिजेंस लेवल होगा वो उसी पर डिपेंड करेगा। मतलब जैसा पेरेंट्स का या फिर पहले एंसिडेंट्स का होता था, जो उसके पहले वाली जनरेशन होंगी उनका जो लेवल होगा मेंटल लेवल, बच्चे का मेंटल लेवल उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि वो जीन से ट्रांसफर होकर इन्फॉर्मेशन आई है उसके पास। तो जो इंटेलिजेंस लेवल है वो हाईली रिलेटेड होता है जिससे हमारा हेरिडिटी से हमारा ये इंटेलिजेंस लेवल कैरी ऑन होता है। तो हर किसी का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो डिफरेंट है।
नेक्स्ट बात करें तो एज एज डिफरेंस भी होते हैं। एक कोई छोटा बच्चा है, एक और बड़ा व्यक्ति है। कोई बड़ा व्यक्ति बोल रहा है छोटे बच्चों को, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? अरे छोटा बच्चा है, उसका मेंटल लेवल, उसका उसकी एज भी एक कम है तुमसे, उसका मेंटल लेवल भी डिफरेंट तरीके से बात करेगा। तो जरूरी नहीं है ना कि जो बड़े को समझ में आ रहा है वो छोटे को समझ में आ जाए। तो ये चीजें वैलिड है। नेक्स्ट आकार मैंने बता दिया शेप में, कोई शेप में मतलब कोई मोटा है बहुत, कोई पतला है, ठीक, फिट वाले भी मिलते हैं, हेल्दी वाले भी मिलते हैं। नेक्स्ट जाति कास्ट सबकी अलग होती है, कास्ट वाइज भी अलग होते हैं व्यक्ति, कोई किसी कास्ट का हो कोई किसी कास्ट का होगा, तो डिफरेंसेस यहाँ भी पाए जाएंगे। नेक्स्ट जेंडर के बेसिस पे भी होते हैं, मेल फीमेल अदर जेंडर, तो जेंडर के बेसिस पे भी डिफरेंसेस हो गए। ऐसा नहीं है ना सभी मेल है और सभी फीमेल है, या फिर सभी अदर जेंडर नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। कम्युनिटी के बेसिस पे भी डिफरेंस होते हैं, समुदाय के बेसिस पे भी हमारे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे डिफरेंसेस होते हैं, तो हमारे ये सारे डिफरेंसेस होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइप्स क्या हैं। दो टाइप्स होते हैं मेनली, एक एक्वायर्ड होते हैं और एक हमारी हेरिडिटी से हमें मिलते हैं, तो उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं सर फ्रांसिस गाल्टर, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अपनी एक बुक दी जिसका नाम था हेरिडिटरी जीनियस, हेरिडिटरी जीनियस इनकी बुक का ये नाम था। इन्होंने ये कब पब्लिश हुई थी, 1869 में पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई, प्रकाशित हुई 1869 में प्रकाशित हुई। इस बुक में इन्होंने क्या किया, इस बुक में इन्होंने सबसे पहली बार इस बुक में इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जो पहली बार बात की वो किसने की, सर फ्रांसिस गाल्टर, किसने की, सर गाल्टर ने की। कौन किसकी कौन सी बुक में की इन्होंने, हेरिडिटरी जीनियस इनकी बुक का ये नाम है। अब ये मत कहना कि हिंदी में क्यों नहीं लिखा, इंग्लिश में क्यों लिखा है, क्योंकि बुक का नेम अधिकतर जो होता है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, और अगर हिंदी में भी आता है तो नेम नहीं रहेगा उसका, नेम चेंज नहीं होगा। कब प्रकाशित हुई है, 1869। अब देखो इनको क्या बोला जाता है, इनको एक चीज और बोली जाती है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ यूजेनिक्स। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फादर ऑफ यूजेनिक्स वाला, बहुत बार पूछा जाता है फादर ऑफ यूजेनिक्स कौन है, तो हम क्या बोलेंगे, सर फ्रांसिस गाल्टर। कौन है फादर ऑफ यूजेनिक्स, सर फ्रांसिस गाल्टर। और क्वेश्चन ये पूछने जाएगा आपसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात सबसे पहले किसने की, सबसे पहले किसने की, इन्होंने की अपने कौन से बुक में की, इस वाली बुक में इन्होंने सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की इन्होंने सबसे पहले इस बुक में बात की। कब प्रकाशित हुई थी बुक, 1869। यूपीडेट में तो बुक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल है कि हेरिडिटरी जीनियस किसने दी थी बुक, इसके ऑथर कौन थे, वो सर फ्रांसिस गाल्टर। और कब प्रकाशित हुई थी, 1869। कब प्रकाशित हुई, 1869। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मेनली जो होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि सारा खेल किस चीज का है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। जो भी एक पर्सन बनता है वो सब किसका खेल है, वो सिर्फ हेरिडिटी और एनवायरमेंट का खेल है कि एक पर्सन कैसा बनेगा, अपने जीवन में क्या करेगा, वो सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। अकेला एनवायरमेंट कुछ नहीं कर सकता और अकेली हेरिडिटी कुछ नहीं कर सकती, तो दोनों मिलके मैंने बताया था कि डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट होता है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। तो एनवायरमेंट और हेरिडिटी ये मिलके एक व्यक्ति को वो बनाते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में करता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में हासिल करता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, किससे, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। इन दोनों का ही पूरा खेल है, जो भी व्यक्ति जीवन में अपने कुछ भी करेगा वो सिर्फ इन दो चीज़ों की वजह से ही करता है। तो इसी जो हमारे डिफरेंसेस है वो भी इन्हीं के बेसिस पे है, कुछ इनहेरिटेड है और कुछ एक्वायर्ड है। कुछ क्या है, इनहेरिटेड है, व्यक्ति ने अपनी हेरिडिटी से गेन की, उसकी हेरिडिटी से उसके पास है, वो डिफरेंसेस है। और कुछ है जो उसने एनवायरमेंट
एक्वायर्ड की बात करते हैं। पहले इनहेरिट की बात करेंगे। वंशानुगत जो डिफरेंसेस होते हैं, वंशानुगत विभिन्नता कौन कौन से हो सकते हैं? फिजिकल डिफरेंसेस, शारीरिक भिन्नता। मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होता है। कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा रह जाएगा हाइट में। तो क्या होगा, सबके अंदर डिफरेंसेस है ना। कोई ए की हाइट के तो नहीं होते सब पर्सन, और ए की वेट ऐसा नहीं हो सकता कि हर पर्सन के अंदर एक सा वेट हो। सबका वेट भी वेरी करता है, सबकी हाइट भी वेरी करती है, सबकी शेप भी वेरी करती है, बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करेगा, फीचर्स वेरी करेंगे फेस के, बहुत सो मैनी थिंग्स वेरी करती है। फिजिकल डिफरेंसेस उसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट पार्ट करता है इंटेलिजेंस। मैंने आपको समझाया कि हर किसी का मेंटल लेवल अलग होता है। जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ वो जरूरी नहीं है कि एक बार में आपको समझना चाहिए। हो सकता है किसी को एक बार में बहुत जल्दी से आ गया, किसी को दो बार देखनी पड़े, वीडियो तीन बार देखनी पड़े तब भी नहीं आ रहा। तो हर किसी का मेंटल लेवल जो होता है वो अलग होता है। कोई किसी बात पे किसी तरह बिहेव करेगा, कोई किसी बात पे किसी तरह बिहेव करेगा, कोई किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने तरीके से अपने अलग तरीके से ढूंढेगा, वही दूसरा व्यक्ति अपने अलग तरीके से ढूंढेगा। तो ये डिपेंड करता है, ये उसकी इंटेलिजेंस और मेंटल लेवल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करें तो टेम्परामेंटल डिफरेंसेस, वही बात हो गई। किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को नहीं आता। कोई छोटी छोटी बातों पर रोने लगता है, कोई नहीं रोता। कोई बहुत किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ जाती है तब भी वो अपने आप को काम रखता है, शांत रखता है। वो सोचता है कि ठीक है अब नहीं हो रहा, बाद में हो जाए। तो उसके मेंटल जो मेंटली वो इंसान है वो बहुत स्टेबल है, ठीक है। तो ये टेम्परामेंटल चेंजेस, ये सारे जितने भी चेंजेस है वो कहाँ से मिले हमें? हेरिडिटी से मिले। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ना, तो ये उसकी हेरिडिटी में है। हो सकता है कि उसके पेरेंट्स में से कोई एक बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, उसके दादा वगैरह कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो, उन पे चला गया बच्चा। तो ये सब डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंसेस इन एबिलिटीज। देखो क्षमताओं में भी डिफरेंस होता है, और ये सब कहाँ से मिले? उसे वंशानुगत सब हेरिडिटी से मिले। क्षमताओं में भी डिफरेंस होता है, एबिलिटीज में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी काम को करने की क्षमता रखता है, वहीं दूसरा व्यक्ति दूसरे काम को करने की क्षमता रखता है। कोई जरूरी नहीं होता कि एक ही काम हर व्यक्ति कर पाए। कोई व्यक्ति किसी चीज में अच्छा होता है, कोई व्यक्ति किसी चीज में अच्छा होता है, कोई किसी काम के लिए कैपेबल होता है, कोई वहीं दूसरा व्यक्ति हो सकता है वो काम नहीं कर पाए। तो इसमें ये नहीं है कि इसने तो बहुत ईजी कर लिया, इसने नहीं किया, ऐसा नहीं होता। ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक व्यक्ति IAS PCS बन जाएगा, या फिर हर एक व्यक्ति टीचर बन जाएगा, या हर एक व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा, हर एक व्यक्ति इंजीनियर बन जाएगा। तो क्या होता है, सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है, वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग वर्क करता है। व्यक्ति हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग वर्क करता है। बहुत लोग लेबर होते हैं तो वो लोग नहीं पढ़ पाते किसी वजह से, इस वजह से उनको मजबूरी में लेबर का वर्क करना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई जानबूझ के लेबर का वर्क करना चाहेगा। तो हर किसी की अपनी क्षमता है, वो उस अकॉर्डिंग देखते हुए लेबर का वर्क चूज कर लेते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता है वो कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी अलग क्षमता होती है, ठीक है, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स हैं अभी उनके बारे में बात करते हैं। कोई व्यक्ति देखो सेक्स के बेसिस पर भी तो डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस होते हैं बेसिस ऑफ सेक्स। मेल कोई मेल होते हैं, कोई फीमेल्स होती हैं, कोई अदर जेंडर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे डिफरेंसेस होते हैं। कुछ व्यक्ति पर्सनैलिटी के बेसिस पर होंगे, पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, होगी व्यक्तित्व के बेसिस पर व्यक्ति अलग अलग होते हैं, व्यक्तित्व के बेसिस पर अलग होते हैं। कुछ व्यक्ति होंगे एम्बिवर्ट, कुछ इंट्रोवर्ट होंगे, कुछ एक्सट्रोवर्ट होंगे, मतलब अंतर्मुखी होंगे। कुछ व्यक्ति होंगे जिनको खुद से बात करना पसंद है, वो ज्यादा लोगों से बात करना नहीं पसंद करते, वो उनकी जो दुनिया है वो कुछ चंद लोगों में ही सीमित होती है। उन्हें बस इतना ही पसंद है कि वो कुछ लोगों से बात करते हैं, उन्हें ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है, ज्यादा भीड़भाड़ पसंद नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति किस कैटेगरी में आएंगे? वो अंतर्मुखी होते हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एकदम किसी भी व्यक्ति के साथ घुल मिल जाएंगे, उनको फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है, ठीक है। कुछ होते हैं एम्बिवर्ट, उभयमुखी, वो क्या होते हैं, वो ना तो बहुत ज्यादा घुलते मिलते हैं और ना बहुत ज्यादा अपने आप में रहते हैं, वो बैलेंस बना के चलते हैं अपनी जिंदगी में। तो पर्सनैलिटी के बेसिस पे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। देखो मैच्योरिटी के बेसिस पे भी होंगे, और ये सारे जितने मैं अभी
सारे कहाँ से मिले हमें हेरिडिटी से मिलते हैं, रिजर्व हेरिडिटी। देखो टेक्स्ट को डिसाइड हेरिडिटी से ही होगा कि बच्चा गर्ल चाइल्ड हो गया बॉय चाइल्ड, वो भी तो हेरिडिटी से ही होगा डिसाइड। पर्सनैलिटी होगी वो भी हमारी हेरिडिटी से डिसाइड होती है। मैच्योरिटी परिपक्वता, पर्सन कितना मैच्योर हो सकता है हेरिडिटी उसकी है। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था जो हेरिडिटी होती है वो एक लिमिट सेट करती है, यहाँ से यहाँ इस बीच में एनवायरमेंट बुलाता रहेगा बच्चों को, हेरिडिटी क्या करेगी लिमिट सेट करेगी। तो पर्सन कितना मैच्योर होगा वो सेट कर दिया हेरिडिटी में कि इतने लेवल तक उसकी मैच्योरिटी जाएगी, ठीक है। तो हेरिडिटी से बच्चे की मैच्योरिटी डिपेंड करेगी। तो हेरिडिटी देखो, पर कोई व्यक्ति बहुत मैच्योर होता है, कोई उस एज में आके उतना मैच्योर नहीं हो पाता, ये डिपेंड करता है। तो सबका जो मैच्योरिटी लेवल है वो भी तो वैरी करता है। तो ये क्या होंगे सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब अगर हम बात करें तो एप्टीट्यूड, कोई किसी स्किल को एक्वायर करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं ना, एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो एप्टीट्यूड भी हमारा हेरिडिटी पर डिपेंड करेगा। किसी काम को एक्वायर करने की जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड भी हमारा हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स जितने भी मैंने आपको बताए, ये सारे फैक्टर्स किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे हेरिडिटी पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे कौन से डिफरेंसेज हो गए, इनहेरिटेड डिफरेंसेस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। मैंने बताया कि कुछ हर व्यक्ति फिजिकली डिफरेंट होता है, मेंटली डिफरेंट होता है, इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है, टेम्परामेंटल वे में डिफरेंट होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है किसी को बहुत धीरे, मतलब कोई वैसे बहुत वर्स्ट कंडीशन भी आ जाए तो उसे गुस्सा नहीं आता, वो इतना शांत रहता है। तो ये सब डिपेंड करता है हेरिडिटी पे, सब वेरी करता है। ठीक, नेक्स्ट एबिलिटी, उसकी क्षमता अलग हो सकती है व्यक्ति की। कोई व्यक्ति एक काम को ऐसे फट से कर लेता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता, तो ये सब डिपेंड करता है। नेक्स्ट मैंने बताया एप्टीट्यूड, उसकी अभिक्षमता में डिफरेंसेस होते हैं, और सेक्स लेवल पे डिफरेंस होता है, जेंडर अलग होता है, लिंग अलग होता है बच्चे का, कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा कोई अदर जेंडर होगा। तो ये सब डिफरेंसेस होते हैं हमारे हेरिडिटी के बेसिस पे। पर्सनैलिटी लेवल पे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। ये सारी बात होगी हमारी, ये सब बातें चल रही थी हमारे इनहेरिटेड डिफरेंसेस, जो हमें वंशानुक्रम डिफरेंसेस मिले हैं, जो हमारी हेरिडिटी से हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं, ये बहुत सारे डिफरेंसेस। अब थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो एक्वायर्ड, जो हमारे एनवायरमेंट से हमें मिलते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। एनवायरमेंट से जो मिलते हैं उनकी बात कर लेते हैं, चलो देखते हैं। अब हम हमारे एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं, जो हमारे अर्जित जो डिफरेंसेस हैं, जो हमें हमारे अंदर एनवायरमेंट की वजह से जो डिफरेंसेस आए हैं, जो विभिन्नताएं हमारे अंदर एनवायरमेंट की वजह से आए हैं, पर्यावरण की वजह से आए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखो सोशल डिफरेंसेस होते हैं, मैंने बताया कि सबकी सोसाइटी अलग होती है, तो ऑब्वियसली बात है जो जिस सोसाइटी में रहेगा उसके अंदर वैसे ही चेंजेस आएंगे, वैसे ही वो बिहेव करेगा, तो उसके अंदर सोशल चेंजेस आ जाएंगे। तो हर व्यक्ति के अंदर जो जिस समाज में रह रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसी तरीके से चेंजेस आएंगे। तो सोशल डिफरेंसेस व्यक्ति के अंदर कहाँ से आएंगे, एनवायरमेंट से आएंगे, क्योंकि वो जिस समाज में रह रहा है वो उसी की तरह बिहेव करेगा। तो ये कहाँ से आएंगे, उसके अंदर समाज से आएंगे, एनवायरमेंट से आएंगे। तो ये कौन सी चेंजेस हो गए, एक्वायर्ड ट्रेट्स हो गए, एक्वायर्ड डिफरेंसेस हो गए जो उसके अंदर एनवायरमेंट से आए। नेक्स्ट बात करें तो अचीवमेंट, देखो हर व्यक्ति का अचीवमेंट अलग हो सकता है, किसी ने कोई काम किया हुआ है, किसी ने कोई काम किया हुआ है, तो अचीवमेंट्स अलग हो सकते हैं, तो डिफरेंसेस अचीवमेंट के बेसिस पे भी होते हैं। नेक्स्ट कल्चर, मैंने बताया सांस्कृतिक वाले का भी वही होगा, संस्कृति से उसके अंदर हर किसी की संस्कृति अलग होगी, हर किसी की संस्कृति अलग होगी, तो उसके अंदर अलग अलग चीज़ें होंगी, उसी की संस्कृति के अकॉर्डिंग ऐसे ही वो बिहेव करेगा। तो सांस्कृतिक चेंजेस भी व्यक्ति के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट इमोशनली, देखो व्यक्ति बहुत बार मतलब हेरिडिटी की वजह से तो इमोशनल होता ही है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति एनवायरमेंट की वजह से भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे एनवायरमेंट में रह रहा है जहाँ मतलब एक छोटे बच्चे की बात नहीं लेते हैं, उसके डैडी रोज शराब पी कर आ रहे हैं या फिर उसकी मम्मी को आके मार रहे हैं, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, गुस्सा बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो उसका जो इमोशनल लेवल है वो बहुत हाई हो जाएगा, बहुत गुस्से वाला हो जाएगा,
बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा। वैसे ही सेम कोई बहुत अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिली में रहता है बच्चा, तो वो उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो क्या होगा, जो वेल एजुकेटेड वाला बच्चा होगा वो उसका इमोशनल डेवलपमेंट, और जो दूसरा वाला बच्चा होगा उसका इमोशनल डेवलपमेंट, दोनों के इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होगा, चेंजेस हो जाएंगे। एक इमोशनली हो सकता है बहुत स्टेबल हो, एक हो सकता है कि बहुत स्टेबल नहीं है, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है। तो ये एनवायरमेंट से भी आता है, हेरिडिटी से भी आएगा और एनवायरमेंट से भी आएगा। नेक्स्ट बात करें तो लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल देखो, सीखने का सबका तरीका अलग होता है। किसी बच्चे को हाँ, अगर ऑडियो सुनाई जा रही, किसी बच्चे को ऑडियो सुनाई जा रही तो वो सुन के अच्छे से समझ पाएगा, किसी बच्चे को वीडियो दिखाई जा रही वो विजुअली देख के अच्छे से समझ पाएगा। तो डिफरेंसेस होंगे उनके लर्निंग स्टाइल्स में कि कोई बच्चा तो आवाज़ सुन के बहुत अच्छे से समझ पा रहा है, कोई बच्चा देख के बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। अब ऐसे अगर कोई बच्चा ब्लाइंड है वो देख नहीं सकता तो वो सुन के बहुत अच्छे से समझ जाएगा, कोई बच्चा अगर डेफ है वो सुन नहीं सकता तो क्या करेगा, वो देख के बहुत जल्दी समझ पाएगा, विजुअली बहुत जल्दी समझ जाएगा। तो ये क्या होंगे, ये भी डिफरेंसेस होंगे, वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट लैंग्वेज, सबकी भाषा अलग होती है, सबके लैंग्वेजेस अलग होंगी, तो लैंग्वेज के बेसिस पे भी उनके अंदर डिफरेंसेस होंगे। लैंग्वेज हमें कहाँ से मिली, एनवायरमेंट से मिली, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसकी अलग लैंग्वेज है, जिस रीजन में हम रह रहे हैं, जिस रीजन में हम रह रहे हैं, एरिया में जिसमें रह रहे हैं लैंग्वेज अलग है, तो हम वही सीखेंगे। तो रीजनल बेसिस पे भी, लैंग्वेज के बेसिस पे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा एटीट्यूड। देखो हमारा एटीट्यूड जो होता है वो भी एनवायरमेंट पे बेस्ड होता है, हम किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं। एटीट्यूड दो चीज होते हैं, मैंने बताया एटीट्यूड होता है अभिक्षमता, और एक होता है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड होता है किसी चीज को देखने का नजरिया जो होता है, वो होगा हमारा एटीट्यूड, और जो हमारा एटीट्यूड किसी चीज को देखने का नजरिया, और जो हमारा एटीट्यूड होता है वो होता है हम किसी स्किल को या फिर किसी चीज को कैसे एक्वायर कर रहे हैं, कैसे हम उस चीज को सीख रहे हैं, वो क्या होता है हमारा एटीट्यूड होता है। तो जो हमारा एटीट्यूड होगा ये हमारा होगा इनहेरिटेड, बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना।